बोले हनुमान जी महाराज की। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। कहा कभी हृदय धीर धरु माता सुमरु राम शिव सुरदाता। हनुमान जी कहते हैं कि माता आप अपने हृदय में सब्र को धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी की प्रभुता को आप अपने हृदय में लाओ, क्योंकि लंका में आप जितने भी राक्षस का सभा देख रहे हो, राक्षसों का समूह देख रहे हो, वे सब पतंग की समान है। निश्चर निकर पतंग समारघुपति बाण कृषानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु। एवं प्रकार से हनुमान जी महाराज को माता सीता से वार्तालाप करते आवर में रावण के बागीचा की तरफ हनुमान जी को नजर चली जाती है, जिस बागीचा में सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था। हनुमान जी कहें कि माता आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं रावण की बागीचा में फल खाने के लिए जाऊं। माता जानकी कहती है कि पुत्र हनुमान, रावण की बागीचा में तो बड़े बड़े निशिचर विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, उस बागीचा में तुम कैसे जाओगे? माता सीता कहती है, यह बात को श्रवण करके हनुमान जी कहें कि माता आपने ही आशीर्वाद दिया है कि आजा राया मारा गुण निधि सुत हो अकरहु बहुत रघो आपने ही आशीर्वाद दिया कि माता पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। जब अजरता अमरता का वरदान आपने ही दिया तो उस निश्चर का भय मुझे कहा। तिनकर भय माता मोहि नाही, जाओ तो सुकुमार हो मनवाही। माता जानकी के आशीर्वाद पाकर हनुमान जी रावण की बागीचा में फल खाने के लिए चल रहे हैं। देखी बुद्धि वाला निपुणा कपी कहे हूं जानकी रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। माता सीता तो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, अर्थात माता के हृदय में चिंता उत्पन्न होने लगा। चलिए ये आ गए हनुमान जी महाराज के दरबार में परम आदरणीय श्री गोपाल राय जीतन राय जी के सौजन से पूरे 51 रुपया प्रदान हुआ दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सीता जी कहती है कि फल नहीं खाए पैबा फल नहीं आर खाए पैबा तू रावण के बगिया में द
दरबार में जितने भी श्रोता भगवान बैठे हुए ताली बजाकर भजन करेंगे। हाँ 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 बाबा के दरबार में सबका हाजिरी लगना चाहिए। हनुमान जी महाराज की जय 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 हो। कि फल नहीं अर खाए पैबा तू रावण के बगिया में यो हनुमत यो हनुमत यो हनुमत खबर देत जलदा राम के शरणिया में यो हनुमत खबर देत जलदा यो हनुमत खबर देत जलदा राम के शरणिया हनुमत खबर लेके चल जावर राम के शरणिया यो हनुमत खबर लेके चल जावर राम के शरणिया लेकर चल रहे हैं। इधर माता जानकी कहती है आशा छोड़ता फल खाए चल जा प्रभु के गाँव हो जगह जगह पर पहरा पाके रावण के फूल आशा छोड़ता फल खाए चल जा प्रभु के काम हो जगह जगह पर पहरा बाजे रावण के फूल बाजयो अचके में मारल जइबा अचके में मारल जइबा रावण के फूल बरिया में बोली बालाजी महाराज की अचके में अरे मारल जइबा रावण के फूल बरिया में दोनों हाथ ऊपर दरबार में सारे आदमी ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाएंगे और हाजिरी लगाएंगे। बोली वीरभद्रंग वली की बउआ के की नाम भेलाई बहन जी। चलिए ये आ गए अंश बउआ के माता जी के तरफ से 51 रुपया प्रदान हुआ दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जिनके धर्म पत्नी के तरफ से
पूरे 201 रुपया प्रदान हुआ। एक बार जोरदार ताली लगा देंगे सर। बोली इनके बाल गोपाल की अचके में अरे मारल जइबा रावण के फूल बरिया में। और ताली बजाते हुए यो हनुमत यो हनुमत यो हनुमत खबर दे चल जा प्रभु राम के शरणिया में। यो हनुमत खबर दे चल जा प्रभु यो हनुमत खबर दे के चल जा प्रभु राम के शरणिया यो हनुमत खबर दे चल जा प्रभु राम के सकल यमन चलन मूरति कंठा मंगल मूरति मारुत नंदन